कोठीमीना बाजार में रावी विंस का आगरा महोत्सव चल रहा है। महोत्सव में सातवें दिन मुक्ताकाशी मंच पर रैपर डांस अकेडमी की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्लम स्टार्स ने मंच पर बेहतरीन डांस की प्रस्तुति दी। कोठीमीना बाजार में रावी इवेंट्स का आगरा महोत्सव चल रहा है। महोत्सव में सातवें दिन मुक्ताकाशी मंच पर रैपर डांस एकेडमी की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्लम स्टार्स ने मंच पर बेहतरीन डांस की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम समापन पर रावी इवेंट्स प्रबंध तंत्र ने कलाकारों का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया। कार्यक्रम संयोजक देवराज ने कहा कि रैपर्स डांस एकेडमी के द्वारा पिछले कई सालों से स्लम में रहने वाले बच्चों को मंच देने का कार्य किया जा रहा है और ये 27 तारीख से चालू हुआ था और 6 नवंबर तक चलेगा। इसमें बहुत सी वैरायटी बच्चों के लिए हैं, बच्चों के खिलौने, झूले, खाने की चीज़ें स्टॉल हैं, सहारनपुर का फर्नीचर है, मेरठ के खादी से कपड़े हैं और भी बहुत कुछ है जो घर में काम आने वाले सामान हैं। जो त्योहारी सीजन चल रहा है सब चीज़ों की सबकी ज़रूरत पड़ती है, तो घर में सारी चीज़ें हैं और स्टेज शो होते हैं, डांस शो, डांडिया नाइट। इस साल ऐसा हम लोग एक स्टेज बनाया है प्रॉपर, जिसमें साहित्यिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, ये चीज़ हमने नई करी है इसमें, और पुस्तक सम्मेलन एक बनाया हुआ है हमने पीछे। आज आप सब लोग मिडनाइट बाजार में ये सुंदर सा कार्यक्रम देख रहे हैं जो कि रावी इवेंट के बैनर तले हो रहा है और जिसके डायरेक्टर आदरणीय मनीष अग्रवाल दादा हैं। और बहुत ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झूले वगैरह और सहारनपुर से और दूर दूर से यहाँ पर काफ़ी वैरायटियाँ आपको हर प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ जो जिन बच्चों को मंच नहीं मिलता है उन बच्चों के लिए मंच का ही बहुत सुंदर सा प्रबंध किया गया है। और आप देख रहे हैं यह खूबसूरत सा ये मंच देख रहे हैं आप, और यहाँ पर कई दिनों से कई कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़े स्तर पे हो रहे हैं। रावी इवेंट्स के मेला संयोजक ने कहा कि आगरा महोत्सव में प्रतिदिन विभिन्न संस्थाओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम और सामाजिक सरोकार के ऊपर कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए, जैसा कि हर साल एक बड़ा धमाका होता है मिडनाइट बाजार, जो मनीष अग्रवाल जी के द्वारा होता है। कहते हैं कि प्रोग्राम तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन मैंने लाइफ में पहला प्रोग्राम ऐसा देखा है जहाँ एक ही छत के नीचे उन बच्चों को भी मौका दिया जाता है। शायद वो बच्चे कभी सोच भी नहीं पाते कि उनको मंच भी मिल पाएगा, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, और उन बच्चों को सम्मान भी दिया जाता है। तू ना जाने आस पास से खुदा, तू ना जाने आज। मैं ज्यादातर इसी में आई हूँ, इसी में मिडनाइट बाजार में मेले में है। मनीष भाई को थैंक यू बोलना है अपने रावी इवेंट को, कैसे बोलोगे? मनीष सर ने मुझे इतना बड़ा मंच दिया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आगरा महोत्सव में टूरिज्म गिल्ड ऑफ इंडिया की आगरा शाखा की ओर से सिनेमा में लुप्त होता साहित्य और सोशल मीडिया में साहित्य की योगदान पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर भर से काफी साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।